गहलोत का एक बार फिर जुबानी हमला सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आया है। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जान लेते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, आखिर ऐसा डर क्यों? गलवान घाटी में जारी तनाव के बीच मोदी सरकार पर बरसे सीएम गहलोत। भारत चीन के बीच जारी तनाव को लेकर कांग्रेस व भाजपा में सियासी जंग चिढ़ी है। रविवार को सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा व पीएम नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी और कई सवाल दागे। गहलोत ने कहा, रविवार को पीएम मोदी ने जो मन की बात की है उसमें चीन का एक बार भी नाम नहीं लिया। भारत सुपर पावर है, फिर उनके मुंह से चीन शब्द क्यों नहीं निकलता? आखिर ऐसा डर क्यों? 2014 में एनडीए की सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी 18 बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। वे अहमदाबाद में जब चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे थे तब भी सीमा पर भारत व सैनिकों में टकराव हो रहा था। मोदी सरकार को बताना चाहिए कि एलएसए पर क्या स्थिति है। मोदी ने ये कहकर ब्लंडर किया है कि चाइना हमारी जमीन पर नहीं आया और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा किया। मोदी की महज वक्तव्य देने में मास्टरी है, जनता कब तक उनके वक्तव्य सुनती रहेगी? गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना के समय में भी उन्हें इस काम से फुर्सत नहीं है कि किस सरकार को गिराना है और किसे उठाना है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चीन मामले में अपने सभी सीएम से रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा था। इसी क्रम में ये जो सीएम गहलोत ने कहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। गहलोत ने मोदी पर दागे सवाल। पहला सवाल, मोदी को देश को बताना चाहिए कि बॉर्डर पर जो हो रहा है उसकी क्या वजह है। दूसरा, क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी के बयान का चीन में स्वागत हो रहा है। तीसरा, इतने कम अरसे में हमारे सभी पड़ोसी हमारे खिलाफ क्यों हो गए। चीन ने कितने क्षेत्र पर कब्जा किया, कितना जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देशवासियों को जानने का हक है कि 15 जून को हुए संघर्ष में वास्तव में हमारे कितने सैनिक मारे गए, हमने चीन के कितने सैनिक मारे। ये सब बड़ी खबर। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।